हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आज के इस ब्लॉग में ब्लॉग शूट करने के लिए सोचा था कि लाओ अपने दोस्त को फ़ोन कर लूँ, हम लोग साथ में ला कोई ब्लॉग वगैरह बना लेंगे, शूट कर लेंगे। लेकिन मैंने उससे फ़ोन किया लेकिन वो अपने खुद वीडियो की एडिटिंग में लगा हुआ था। फिर मैंने सोचा लाओ देखते हैं उसके घर जा कर कैसे एडिटिंग करता है वो। उससे पहले मैं छत पर ये वीडियो बना रहा था तो सामने एक आंटी बोली थी, क्या कहते हैं कि हमारी किट वगैरह लिया है एडमिट कार्ड वगैरह की, तो देखना वो बंदर किस तरह से एडमिट कार्ड वगैरह फाड़ने की कोशिश करता है, किट वगैरह लेता है। पूरे पेन वैन तो उन्हें पूरे तोड़ डाले। तो गाइस देखें, ये पेन की किट ले आया है बंदर उधर आंटी की, अब ये किस तरह से खा रहा है। एक ये है, ये देखो पेन पूरा तोड़ दिया उसने। ये सामने आंटी हैं जिन जिनकी वो किट लिया है, बेचारी खड़ी हुई है, खाए पड़ा है, खाए पड़ा है, पता नहीं इसे पेन खा के क्या मिलेगा, पूरा तोड़ दिया इसने। तो गाइस देखो ये बच्चा कैसे भगा रहा है बंदर को, कि वो धीरे 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 उसमें एडमिट कार्ड वगैरह और आईडी वगैरह सब कुछ है। इसको रोटी फेंकोगे? अरे वो छोड़ देगा ऐसे ही, इसमें है ही कितना सा, बस एडमिट कार्ड है वो छोड़ चुका है। ये उसके पैर में देखो एडमिट कार्ड लगा हुआ है, जैसे एग्जाम देने यही रहेगा। पेन को काटे पड़ा है। चलते हैं फिर उसके घर और देखते हैं कि वो किस तरह से एडिटिंग वगैरह करता है। गाइस मैं बिना के घर आ गया हूँ। अब मैंने उसको फ़ोन किया था बाहर आने के लिए, लेकिन वो बोला था मैं अपने YouTube की वीडियो एडिट कर रहा हूँ। अब दिखाता हूँ वो अपनी किस तरह से एडिट करता है। जी देखो कैसे लेटा पड़ा है, अच्छे देखो। कौन सी वीडियो एडिट कर रहा है जय? गाइस इसे एक घंटे से ज़्यादा हो गया एडिटिंग करते करते, इसकी एडिटिंग ही ख़त्म नहीं हुई है। पता नहीं किस तरह का चैनल बना के इसने एडिटिंग कर रहा है, ख़त्म होने का ना नाम ले रही है। और ये थक चुका है ये काइंड मास्टर से एडिटिंग करते करते, बेचारा। कब तेरा चैनल ग्रो होगा अगर ऐसी एक ही तू वीडियो में इतना टाइम लगा देगा तो। तो बस इसकी एडिटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब थोड़ी बहुत रह गई है, इसमें वो अपनी वॉइस वगैरह डालेगा। तो बताइए अपनी एडिटिंग के बारे में, क्या क्या कर रहा है तू, तो उसमें किस तरह से तेरा चैनल है? चैनल बना नहीं है अभी, क्रिएट होगा चैनल। अरे अभी तूने चैनल ही नहीं बनाया, एडिटिंग पहले शुरू कर दी। नहीं चैनल है, मतलब उसमें URL सेट नहीं हुआ, बाकी सब कुछ रेडी है चैनल पूरा। तो अपनी इस तरह से वो तो दिखा एडिटिंग की, क्या क्या कैमरा तो पास मिला, ऐसी आगे को आके दिखा, ऐसे करके एडिटिंग कुछ होगी काइंड मास्टर से। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कैमरा लेके आओ था स्क्रीन पे, स्क्रीन पे लाओ कैमरा, देखो ये काइन मास्टर है। देखो हमारी आधी वीडियो लगभग क्रिएट हो गई है। अब इसमें तो अपनी वॉइस डालेगा, इसमें वॉइस डालूंगा, अभी स्टोरी डालनी है भी इसमें। स्टोरी हम ले लेते हैं नोट पैड से अपनी, यहाँ सर्च करते हैं नोट पैड, नोट पैड ये आ गया। नोट पैड पर मैंने कॉपी कर रखी है पूरी स्टोरी, डिस्क्रिप्शन है स्टोरी यही है जी, पूरी स्टोरी है। अच्छा यहाँ से मैं जी स्टोरी अपनी कॉपी कर लेता हूँ पूरी। देखो कितनी मेहनत लगती है गाइस, एक वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है, एडिटिंग करने में इसका कोई जवाब नहीं। थक जाओ एडिटिंग करते करते, एक से डेढ़ घंटे से ज़्यादा तो एडिटिंग में ही लग जाता है, इतना तो ब्लॉग बनाने में नहीं टाइम लगता। चारा लिखे पड़ा है, देखो क्या क्या लिखा पड़ा है। हमें कॉपी करेंगे वापस काइन मास्टर पर आके, यहाँ से काइन मास्टर पे लेयर पे जाके यहाँ पे टेक्स्ट पे सर्च करके यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे अपनी स्टोरी पूरी। तो स्टोरी पेस्ट करने के बाद में फिर क्या होगा? स्टोरी ये तुम्हारी टाइटल में आती रहेगी, इस जगह पे लिख के आती रहेगी? नहीं, अब यहाँ से अच्छा तुझे सेट करना पड़ेगा। यार काइन मास्टर मैंने कभी यूज ही नहीं करा, मुझे आता ही नहीं काइन मास्टर से एडिटिंग करने। वाइट लग रहा है यहाँ से, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, काइन मास्टर से कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, हाँ ये हाथ हो गया। अभी तुम्हारी चलती रहेगी? हाँ। चलती रहेगी ये? तूने खुद से लिखी कहीं से कॉपी मारी है? कुछ शब्द मेरे हैं, कुछ मैंने देखे थे। देखो कॉपी पेस्ट करके गाइस ये पॉपुलर होना चाह रहा है। तो गाइस फाइनली मैं अपने घर आ गया, और फिर वहाँ मुझे बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो एडिटिंग में घुसा हुआ था, और फिर वहाँ अकेला मैं बैठा हुआ था, देखते देखते भी ज़्यादा कुछ अच्छा खास लग नहीं रहा था, इसलिए मैं अपने घर चला आया। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।